कितना तेज है और जो आदमी यहाँ से कूदा वो उसकी लाइन कट है। बाल राष्ट्रीय बैंक देखिए 50 और ये है 50 का नोट, ये है 100 का और ये है 50 रुपीज का। क्या बढ़िया है ना। और आपको हम ऐसी जगह ले जा रहे हैं जो कि आप कहेंगे काश हम भी यहाँ होते, तो आइएगा आप भी घूमने के लिए। भाई जी ये देखिए मेरी सिस्टर, ये मेरे साथ बैठने वाली है आज और मैं इससे लूँगा किराया क्योंकि हम 3 हो जाएंगे और चालान भी कट सकता है, इसलिए मैं इससे पैसे लेने वाला हूँ आज। ये हमारे साथ जाएगी बैठने क्योंकि इसके साथ मम्मी पापा भी जा रहे हैं। ये देखिए बाइक दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो बाइक है इनकी, इसमें काफ़ी लोग हैं और हमारे साथ और भी बाइकें हैं लेकिन यहाँ इसमें क्या कहते हैं बहुत सारे लोग हैं इसलिए मेरे साथ बैठेगी ये। और ये क्या खिलाएगी तू मुझे? कुछ नहीं खाना ना। अरे मुझे तो खिलाना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं से काम नहीं चलेगा, नहीं तो बैठा के नहीं ले जा पाऊंगा मैं। देखिए गाइस फिर हम कौन सी रास्ते से आए हैं जो कि ये देखिए आ गया जो कि मुझे उतरना पड़ा बाइक से। आप देख सकते हैं हम ये नाला पार करके नेपाल जाते हैं, देख रहे हो गाड़ी ये देखिए जो कि नाव को टिकट लगेगी, नाव का चालान कटेगा
चुके हैं और हमारे साथ एक बच्ची है जो कि हम इनसे बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मालिका स्कूल के पास। अच्छा, गांव का नाम क्या है? ये गांव का नाम क्या है? कंचनपुर। ये देखिए, हम कंचनपुर आप सर्च कर सकते हैं, कंचनपुर नेपाल में है। और उसके बारे में आप बताएंगी, वहाँ पर आप जाती हैं? वो देखो, आपको कुछ दिख नहीं, नहीं जाते। चलो ठीक। ये कौन सा पुल कहते हैं? कौन सा जंगला पुल? कौन सा पुल? झुंगला पुल। झुंगला पुल बनना होता नहीं है? बनना होता नहीं। क्या बनना होता नहीं? पता नहीं है। झुंगला पुल बनना होता नहीं बनाए। अच्छा। तो आमा जी, आप यहाँ के बारे में कुछ बताएंगी? कुछ आप बोलिए तो। ये कौन सा गांव है? ये गांव कौन सा है? हमरो हाँ ये लठा गांव बनो चांदनी गांव है ये। चांदनी हाँ, चांदनी है। और वहाँ पर हम देख के आए थे, कंचनपुर है वहाँ पर। और ये पुल किस में आता है, कंचनपुर या चांदनी किस में आता है? चांदनी में आता है। हाँ, तो ये है चांदनी में पुल। ये क्या झूला पुल? और जो कि झूला पुल हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। तो चलिए, अब हम वहाँ पे आपको लेके चलते हैं। हाँ, बनबसा घूमने के लिए आए थे यहाँ पर। हमने कहा हम इंडिया वालों को ये पुल दिखा दे, झूले वाला। गाइस, तो हम गाड़ी खड़ी कर रहे हैं यहीं पर और उसके बाद हम जाएंगे पैदल। देखिए, ये बहुत नए ब्लॉग के साथ बने रहिए हमारे साथ। देखिए, भी दिखाते हैं हम आपको पुल। मामी जी बहुत शर्मा रही है। ऐसे करेंगे भाई? ये देखो, देख रहे हैं एक बार खाली। ये कशिश, ओ कशिश नमस्ते बोल दो। कशिश उसमें नमस्ते। अरे कशिश नमस्ते। देखिए, ये छोटी बच्ची कर रही है आप सभी को नमस्ते, जो कि आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। गाइस, तो ये चल कर आ रही है, हम इसका हाथ पकड़ कर आ रहे हैं क्योंकि ये गिर जाती है। चलो, कहाँ जा रही थी? हाँ देखिए गाइस, तो हम बजा रहे हैं वो मंदिर में। हम आप सोच रहे होंगे वो घर है, पर वो मंदिर है। हम उस मंदिर में वीडियो बनाने जा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कई सारी बकरी चुग रही है, तो हम यहाँ पर जा रहे हैं वीडियो बनाने। तुम्हारा नाम क्या है? खुशी। बता दो इनको। खुशी। आपकी? मेरा नाम खुशी है। मेरा नाम खुशी है और ये मंदिर में हम वीडियो बनाने आए हैं। चलो, यहाँ का नज़ारा कितना सुहावना लग रहा है। और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर है। पर यहाँ पर एक हॉरर मूवी भी बनाई जा सकती है गाइस, जो कि आप देख सकते हैं, जैसे कि राज पिक्चर में कुछ ऐसे ही टाइप में दफनाया गया था। यहाँ पर कुछ वैसा ही आपको नज़ारा दिख रहा होगा जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। कि गाइस, वहाँ पर है मंदिर जो कि कुछ इस प्रकार बनाया गया है। ये है नेपाल का, जो कि हमारा मंदिर साधारण तरीके से बनाया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 कुछ ऐसे। तो फिर गाइस, हम आपको इस जंगल में लेके चल रहे हैं, जो कि आप चलिए हमारे साथ और उस साइड देखेंगे कि तो घर है। कितना सुंदर लग रहा है ना यहाँ का फिर एरिया। तो हम आपको इसके अंदर लेके चल रहे हैं और आप आइए हमारे साथ पीछे पीछे। और काश हमारा यहाँ पर नेपाल पे घर होता तो हम यहाँ पर एक हॉरर मूवी बना देते, राज पिक्चर की तरह, जो कि गाइस काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और अगर आप उस साइड देखेंगे तो वहाँ पर तालाब है बैठने के लिए। कितना सुंदर, बहुत बढ़िया। ये है हमारी छोटी सी मस्ती का नज़ारा, क्योंकि हम पेड़ पे झूला झूल रहे हैं। तो चलिए गाइस, हम आपको यहाँ की दुकान की तरफ लेके चल रहे हैं। तो कुछ है नहीं खाने के लिए? इधर तो सब कुछ खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए तो नाश्ता तो नहीं है, ठंडा वंडा मिल जाएगा। ये ले तो बेटा, यहाँ की चूड़ी लेके चले ले लो।
राष्ट्रीय बैंक देखिए 50 और ये है 50 का नोट, ये है 100 का और ये है 50 रुपीज का। क्या बढ़िया है ना। गाइस तो ये देखिए हमने लिया है ड्यू और ये है लेजी स्ट्रिक्स। कितने के हो गए मसाला, कितने के हो गए ये? 120 रुपए। इंडियन नेपाली, नेपाली वो, ये तो नेपाली तो हम नहीं चाहिए, हम तो हाँ तो घटी में रहते हैं ना। हाँ हम इंडिया वाले हैं। तो ये एक बार वही हर रुपीस दिखाएंगे आप। चलो देखिए गाइस फिर हमें मिला है ये नेपाली रुपीस और ये देख सकते हैं आप, इसमें का हो गया इधर और वो 100 नेपाली का हो गया। अच्छा ये इंडिया मतलब 65 रुपए की हो गई। हाँ वहाँ की 65 हो गई क्योंकि हमारे कैरिंग में कड़ी पड़ जाए, वहाँ से यहाँ आने तक यहाँ बैठने तक उल्टा पड़ गया था। ये हमारे यहाँ इंडिया में ये 35-40 रुपए, ये 35-40 रुपए की मिलती है ये, और यहाँ पर कितने 65 रुपए का हो गया और ये कितने रुपए का हो गया? ये यहाँ 20 नेपाली का हो गया, ये 20 नेपाली का हो गया, वहाँ पर ये 10 रुपए का कुरकुरे होता है। 2 रुपए हमें वहाँ से यहाँ आने तक लाने तक कैरिंग में 2 रुपए कट जाते हैं। ठीक है हमारा 2 रुपए क्या दिया। ठीक है थैंक यू। देखिए फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, जो कि आप देखिए यहाँ का नजारा जो कि काफी फेमस है यहाँ का झूला पुल। और हम जो कैमरे में दिखाए थे तो झूला व्यू था उसमें पुल, लेकिन हम इसमें झूला पुल कहते हैं क्योंकि इसमें लोग जाते हैं तो काफी ये हिलता है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ के वो जा रहे हैं वहाँ पे देखिए, और एकदम थोड़ा डर भी लगता है इसमें जाते हुए क्योंकि हम एक बार आए थे तब गाड़ी बहुत ज्यादा हिल रही थी, इसीलिए इसका नाम जो झूलने के नाम से प्रसिद्ध है झूला पुल जो देख सकते हैं आप। हम आए हैं नेपाल की ओर जो कि आपको काफ़ी आकर्षित करेगा यहाँ का नज़ारा, मुझे तो बहुत पसंद आया, ये मैं दोबारा आई हूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। तो इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और फिर बने रहिए आपके हमारे साथ। तो हम आपको लेके चलते हैं अब अंदर की तरफ जो कि काफ़ी आकर्षक लगेगा और आप भी सोचेंगे काश से यहाँ पर टेम्पो से भी आते हैं झूला पुल की तरफ। ये है कंचनपुर का नज़ारा और लेकिन ये पुल चांदनी में आता है जो कि हमने आपको दिखा दिया था, उन्होंने बताया था तब अभी पता चला। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से पुल का, ये समझ लो ये है रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं आप इसे। जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वैसे ही ये पुल की रीढ़ की हड्डी ये है जो कि यहाँ से टिका हुआ है पुल। काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और यहाँ पर पार्क भी काफ़ी बढ़िया बना रखा है बैठने के लिए। तो आइए गाइस हमारे साथ। काफ़ी ज़्यादा गाइस यहाँ का नज़ारा। तो ये है पुल, हम यहाँ पर ऊपर चढ़ चुके हैं तो आपको हम दिखाएंगे, ये नज़ारा बहुत ही क्यूट दिख रहा है और हम यहाँ पर आपको आगे लेके चलते हैं। ये बहुत लंबा पुल है। हाँ हिलता भी है ना, जब हिल रहा है ना ये। हाँ ये हिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, चलो आगे लेके चलो पब्लिक। हाँ और ये देखिए हमारे हबीबी भी साथ में है जो कि साथ में तो होंगे लेके आएंगे क्योंकि इन्हीं को क्रेडिट जाता है हमें घुमाने का। काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं और आप भी सोचते होंगे कुछ लोग कि शायद हमारे पति भी ऐसे होते जो कि घुमाते हैं। चलिए आगे चलिए, अब हमने कैमरा पकड़ लिया है, दिखाते हैं हम। देखिए हमारे हबी लगता है शर्मा गए, इनकी तारीफ दो शब्द क्या कर दी। और देख सकते हैं मुझे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रहा है ये, काफ़ी ज़्यादा, और उन बच्चों को देख के तो और भी ज़्यादा क्योंकि वो बच्चे नहा रहे थे वहाँ पर तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई थी उनको देखकर काफ़ी। और आप देखिए यहाँ पर एकदम ये ग्रो देखिए गाइस, और हम आपको दिखा दें
कि ये कैसे रुका हुआ है, क्योंकि वहाँ पर उसका जो था वहाँ पर कसने के लिए वहाँ पर बना रखा था। और ये देखिए ऊपर की तरफ, काफी ऊपर की तरफ है, पूरा का पूरा लोहे का बना हुआ है। और यहाँ पर सिर्फ ये देखिए ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर देख के तो मुझे भी चक्कर आ रहा है। तो हम आपको कैमरे में दिखा देंगे, पर हम तो हम सामने देख रहे हैं। देखिए गाइस, तो हमारे साथ के वहाँ से घूम कर आ रहे हैं, हम ले रहे हैं यहाँ का कैमरा फ्रंट का, और काफ़ी ज़्यादा बाइक यहाँ से चलती रहती है क्योंकि यहाँ के लोग आयात निर्यात यहीं से करते हैं जो बाइक वाले हैं। क्योंकि उस वाले जो कि हमने पुल दिखा दिया था उस वाली वीडियो में नेपाल गेट पे, तो उसमें ज़्यादा क्योंकि भीड़ भाड़ लगी रहती है, क्योंकि ट्रक गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब कुछ वो चलती रहती हैं, तो यहाँ से गाड़ी निकलती है यहाँ पर बाइक। और देखिए वहाँ पर हमारे साथ के और एक बाइक फिर आ रही है, और हमें ऐसा ही सफ़र मिलता रहेगा आगे की तरफ क्योंकि बाइक आती जाती रहेगी। ये बहुत ऊंचा है, और मैं सोच रही थी हमारे साथ ही हैं। चलो आप कहाँ से आ रहे हो, वहाँ से अरे गई हो तो लगता है शर्मा गई शायद कैमरे में। क्या हुआ, वापस क्यों आ गए? वापस हमको तो बहुत डर लग रहा है। क्यों हेलो कर दे, क्यों क्यों हाय कर दे, नीचे देखो पानी, ऊपर से देखो जाली, तो पैर ही नहीं रखे जा रहे, मैं तो चली घर। देखिए क्योंकि यहाँ पर पानी देखिए कितनी रफ्तार में, तो क्या कहें पानी जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ पूरी पूरी जाली टाइप है, तो लोग पहली बार आते हैं तो यहाँ का ओ बन के तितली दिल उड़ा 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 तो देखिए गाइस मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है जो कि आप देखिए यहाँ पर। लेकिन बाइक बार बार बीच में आ जा रही है, इसीलिए हमें थोड़ा शांत रहना पड़ रहा है इस चक्कर से। नहीं तो ये देखिए नजारा क्या खुला हुआ है, जो कि आप जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, इंडिया। बात और बताना चाहते हैं, वहां पर देखिए वहां पर एक जो पुल बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर नेपाल और इंडिया की जो रोड है वो की जा रही है, मतलब एक साथ जो कहे मित की यहाँ से जाएगी, जो कि बस सब कुछ यहाँ से जाएंगी। यहाँ से तो सिर्फ बाइक निकल पाती है, वहाँ पे ट्रक, वहाँ पे थोड़ी बस जाने की रास्ता नहीं है, इसीलिए वो पुल का निर्माण हो रहा है। और आगे तो आपको दिख ही रहा है क्या नज़ारा, और आप भी देख रहे होंगे। तो गाइस तो हम आपको बता दें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ये वीडियो, और थोड़ा सपोर्ट करें हमारा भी, जो कि हम भी कुछ बन सके। यहाँ देखिए पानी का बहाव कितना तेज है, और जो आदमी यहाँ से कूदा वो उसकी लाइन कट है। देखिए ये कितनी मोटी, जो कि तीन तीन है, इस कारण ये टिका हुआ है, और नीचे की तरफ काफी गहरा खुदा हुआ है वहां पर नीचे की तरफ। अभी हम सबसे ऊपर हैं पुल के, ये गाड़ी है, गाड़ी आ जा रही है, ये काफी लंबा रास्ता है जो कि ऊपर नीचे की तरफ है, और हम हैं अभी जो कि यू साइड का बना हुआ है, तो हम यू पर हैं। अब नीचे की ओर जाएंगे तब दिखाएंगे, नीचे की ओर की तरफ अब जाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे कि ये यू की तरफ कैसा बना है, जो कि आपने देख ही चुके होंगे। तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ, यहाँ पर हम दौड़ भी नहीं सकते क्योंकि हमारी ब्रेक नहीं लगेगी, इसीलिए तो हम पैदल आराम से जा रहे हैं। और देखिए वहाँ पर बाइक कितने गड्ढे में दिख रही होगी आपको, और अब ऊपर की तरफ आएगी, देखिए अब ऊपर की तरफ आ रही है या नहीं आ रही है, आप ही देख के बताइए।
दें। अब हमें भी आके यहाँ पर थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि अब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो पानी की भी आवाज़ आ रही है, प्लस ये जो पुल है झूला वाला उसकी भी आवाज़ आ रही है। तो आप देख सकते हैं तो बरसात भी नहीं हुई है, नहीं तो ये पूरा का पूरा ये जो झूला भी है ना यहाँ पर पूरा पानी पानी ही पानी आ जाता है, जो टॉप है वही वही दिखते हैं और पूरा पानी से भर जाता है यहाँ पर। तो अभी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं आपको दिखाने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसी अपडेट पाते रहिए, सब्सक्राइब करके लाल वाला घंटा ज़रूर दबा देना जो कि आप हमसे जुड़े रहेंगे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी और आप तक पहुंच जाएगी। आप लोगों ने देखा यह पुल, अब देखो मेरी आवाज़ में कितनी एनर्जी आ गई वहां से आकर, और हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं जो कि अभी नहीं 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 रुकिए 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 हम पहुँच रहे हैं उनकी तरफ। आप दिखाइए, देखिए बुला रही हैं, नमस्ते बोलो, नमस्ते नमस्ते। और जो यहाँ पर बैठी हुई हैं ये हमारी मामी जी, इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, हम तो आधी दूर की तरफ गए थे, ये तो यहीं से आ गई, एक ये ऐसा पार करके वो देखिए वहाँ से ये आधे से ही आ गई, जो कि पुल आप देख सकते हैं, दिख भी नहीं रहा होगा ये कितना लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है। और पानी का बहाव देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ चल रहा है, आपको अच्छी तरह से दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम ऊपर थे तो बहुत ही ज़्यादा, वहाँ पर जो नीचे वाला है यू का यू टाइप का छोटा टाइप का, तो पानी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक दिख रहा था वहाँ से, तो और भी ज़्यादा डर लग रहा था, नीचे की आवाज़ भी आ रही थी उसकी भी आवाज़ आ रही थी। और वहाँ पे देखिए हमारी ननद को छोटी वाली वो डर के हमारे भी गर्मी लग रही थी इसीलिए हमने आधा ख़त्म कर दिया इसका। हम इसको पी रहे हैं और यहाँ पर ये बहुत ही नज़ारा बहुत ही डरावना लग रहा था। हम जब यहाँ से आ रहे थे ना गाड़ी, तो हम वहाँ से बाइक आ रहे थे, तो हम वो पुल जब हिल रहा था तो हमें बहुत ही डर लग रहा था। तो ये है ठंडा, जो कि एक बात और आप लोगों से पूछनी थी कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कुछ हमारी वीडियो पे कुछ कमी लग रही हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। गाइस तो हम ये पुल बहुत लंबा था इसीलिए हम नहीं गए और हम वापस जा रहे हैं क्योंकि देखकर हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और अभी भी थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है। देख रहे हैं आप एकदम यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं और ऊपर की तरफ आप देखिए, मुझे तो ऊपर देखने में भी चक्कर टाइप आ रहा है और नीचे पानी चल रहा है उसको भी देख के चक्कर जैसा आ रहा है, इसीलिए हम घर की तरफ निकल रहे हैं। तो इनको भी देखिए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अरे पानी की आवाज़ आ रही थी ऐसे जैसे कि करंट, बिजली की करंट से आती है आवाज़, वैसे ही उसे ऐसा लग रहा है कि मानो पानी में करंट फैला हुआ है, क्योंकि ये मोटे मोटे ये तार लगे हैं, ऐसा लग रहा था कि इनमें करंट है लेकिन वो पानी की आवाज़ थी। तो आप देख सकते हैं वैसे काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा रहा। तो अभी यहाँ पर आना, तो यहीं पे हम वीडियो समाप्त करते हैं।